क्लास फिफ्थ के स्टूडेंट्स, अब आप लोग को मैं सेल्फ प्रैक्टिस 5B पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छी तरह से बताए थे, एक्सप्लेन किए थे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बनाना है, मैं मल्टीप्लाई बना रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान देना है। 80125 में 74 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 में 2 प्लस करेंगे 10 का 0 कैरी 1। आप 4 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 4 में 1 प्लस कर देंगे 5, 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0, आप 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 32 दिखाई दे रहा है आपको। ये फर्स्ट डिजिट था इसलिए ये सारे को मल्टीप्लाई किए वंस से, अब टेंथ से कर रहे हैं। जब टेंथ से करेंगे तो टेंथ प्लेस से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि जब यहाँ थर्ड से अगर 100 से स्टार्ट करते हैं तो यहां से लिखना 100 प्लेस से स्टार्ट करते हैं। 7 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 35 का 5 कैरी 3, 7 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 14, अब 14 में ये 3 प्लस कर देंगे तो 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 का टेबल आप 1 बार पढ़ेंगे तो 7, और 7 में 1 प्लस करेंगे 8, 7 का टेबल 0 पढ़ेंगे तो 0, क्योंकि दुनिया की किसी भी डिजिट से 0 में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0 ही आएगा। 7 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो 56, आप देख रहे हैं 0 का 0, 5 का 5, 7 5 12 का 2, 8 1 9, 2 का 2, 6 3 9 और 5 का 5, इस प्रकार ये आपका आंसर हुआ, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। अब आप लोग जी नंबर पर ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 47035 इंटू 5600 आपको दिखाई दे रहा है, 47035 इंटू 5600। मैं देख रहा हूं कि 47035 इसमें आप 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 56 इंटू इसको 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 56 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 ही होगा और डबल 0 बैठा देंगे, इसलिए आप 56 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहां 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, 30 का 0 कैरी क्या होगा आपका 3, 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 18 में 3 जोड़ देंगे 21, 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 18 में 3 प्लस कर देंगे तो आपका 21 का 1 कैरी 2, 6 का टेबल 0 पढ़ेंगे 0 और 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 6 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 42 का 2 कैरी 4, 6 का टेबल 4 में पढ़ेंगे 24 और 24 में 4 प्लस कर देंगे 28 आपका हो गया। यहां ध्यान देंगे 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे 25 का 5 कैरी 2, 5 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे 15 और 15 में 2 प्लस कर देंगे 17 कैरी 1, 5 का टेबल 0 पढ़ेंगे 0 और 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 5 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे 35 का 5 कैरी 3, 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे 20 और 20 में ये 3 जोड़ देंगे 23, 0 6 9 3 3 8 5 13 का 3 कैरी 1, 3 2 5 1 6 2 ये हो गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये आंसर आप जब लिखेंगे
तो लिखेंगे 47035 इंटू 56 पर 00। तो ये तो डिजिट आप उतारेंगे ही, साथ में ये डबल डिजिट भी आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैं जीरो को छोड़ करके मल्टीप्लाई किया हूं। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर अब आप लोग ध्यान दीजिए। 25,978 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड ड्यूरिंग ए ईयर इफ ईच बुक कॉस्ट 427 रुपीज। कह रहा है अगर एक बुक का, एक किताब का दाम 427 रुपया है, टोटल ऐसे आपका 25,978 कॉपीज बेचा गया है। हाउ मच इज अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ दिज बुक्स, बुक्स से उसका कितना इनकम हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सेम का टेबल 8 पर पढ़ेंगे 56, कैरी आपका 5 हो गया। सेम का टेबल 7 पर पढ़ेंगे 49, और 49 में आप 5 प्लस कर देंगे 54, कैरी 5 हो गया। सेम का टेबल 9 पर पढ़ेंगे 63, 63 में 5 जोड़ देंगे 68, कैरी 6 हो गया। सेम का टेबल 5 पर पढ़ेंगे 35, 35 में 6 जोड़ देंगे 41, कैरी आपका 4 हो गया। आप सेम का टेबल 2 पर पढ़ देंगे 14, आप 14 4 जोड़ देंगे 18, फर्स्ट को क्रॉस कर देंगे। 2 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे 16 का 6 कैरी 1, सेम का टेबल 2 पर पढ़ेंगे 14, 14 में 1 प्लस करेंगे 15, 15 का 5 कैरी 1, 9 का टेबल 2 पर पढ़ेंगे 18, 18 में 1 प्लस करेंगे 19, 5 का टेबल 2 पर पढ़ेंगे 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 2 का टेबल 2 पर पढ़ेंगे 5, 5 में 1 प्लस करेंगे 6, इसको भी क्रॉस करेंगे क्योंकि आप थर्ड डिजिट यानी कि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का टेबल 8 पर पढ़ेंगे 32 कैरी 3, 4 का टेबल 7 पर पढ़ेंगे 28, 28 में 3 जोड़ देंगे 31 कैरी 3, 9 के टेबल 4 पर पढ़ेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39 कैरी 3, 5 के टेबल 4 पर पढ़ेंगे 20, 20 में 3 प्लस करेंगे 23 कैरी 3 कैरी 2, और 2 का टेबल 4 पर पढ़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ देंगे प्लस कर देंगे आपका हो गया 10, 6 का 6 ये 0, 8 टू 10 5 15, 15 में 1 प्लस करेंगे 16 का 6 कैरी 1, 1 9 10 10 1 11, 11 में 1 प्लस कर देंगे 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 1 10 10 में 8 जो प्लस करेंगे 18, 18 में 1 प्लस कर देंगे तो 19 कैरी 1, 63 9 9 में 1 10, 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 11 का 1 कैरी 1, और 0 में 1 प्लस करेंगे 1, और यहां 1 है तो 1। इस प्रकार आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुई है, ये 2 का टेबल आप 5 बार पढ़ेंगे तो 10, और 10 में 1 कैरी लिए तो 11 का 1 कैरी 1 हुआ है। 2 का टेबल 2 बार आप पढ़ेंगे तो 5 4, आप 4 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो आपका यहाँ होगा 5, और 5 और 3 8, 8 1 9, और इसमें से कैरी एक लेंगे आपका कितना हो गया 10, 10 का यहाँ 0 होगा, इसमें से कैरी 1 आया तो 0 और 1 1 आइए। इस प्रकार ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि हाउ मच अर्न वो कितना कमाया, तो देखिए इतना रुपया वो कमा रहा है फ्रॉम द सेल ऑफ दीज बुक्स किताब से। इस प्रकार आपका सेल्फ प्रैक्टिस 5D का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका सेल्फ प्रैक्टिस 5C नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।